नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारी नई वीडियो में। लास्ट टाइम वीडियो में हमने बात की थी कि आपको सिम लेते समय जो आप लोग फ्री की सिम लेते हैं लोग, और उनके साथ फ्रॉड हो जाता है, और वो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो हमेशा इसी पे लगे रहते हैं कि हम लोगों को बिना आईडी की सिम कैसे मिलेगी, बिना आईडी की सिम के लिए हमें कितना चार्ज देना पड़ जाए, बिना आईडी की सिम कैसे मिलेगी। तो हम लोगों ने लास्ट टाइम यही टॉपिक पर वीडियो बनाई थी। आज हम लोग एक वीडियो लेकर हाजिर है जिसमें वीडियो में आपको बताएंगे कि अगर आप एक जेन्युइन आदमी और आप एक सिम परचेस करते हैं, आपके साथ फ्रॉड ना हो, आपको रखना है किन किन बातों का ध्यान। तो बने रहिए इस वीडियो में हमारे साथ। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कर दीजिए, और ये वीडियो को अपने दोस्तों तक, फैमिली तक, फ्रेंड तक शेयर करिए, जिससे कि उन लोगों के साथ भी कल को कुछ अनहोनी ना हो। आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, कभी भी आपको किसी भी लालच में आकर कहीं से भी सिम नहीं ले लेनी है। ऐसा नहीं है कि आप कहीं भी खड़े और वहां पर कोई बंदा लाउडस्पीकर से अनाउंस कर रहा है कि मैं आपको सिम फ्री दूंगा, या 20 रुपए में दूंगा, या 30 रुपए में दूंगा, या 50 रुपए में दूंगा, और आप उस लालच में आ गए और आप वहां पर पहुंच गए, आपने सिम परचेस कर ली। ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, और कोशिश ये करना है अगर आपको जरूरत ना हो तो आपको सिम परचेस नहीं करनी है। कुछ लोग क्या करते हैं कि ये करते हैं, उनका मानना ये होता है कि मैं एक सिम पर रिचार्ज कराऊंगा, उससे सस्ती मुझे सिम मिल रही है तो मैं सिम ले लूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, आपको अपनी पर्सनल सिम को ही हमेशा यूज करना है, और किसी भी लालच में आके एक दूसरी सिम या नई सिम अगर आपको जरूरत नहीं है तो किसी भी कंडीशन में वो सिम आपको नहीं लेनी है। सिम लेते समय इस बात का ध्यान रखें कि आपको जब भी सिम लेनी है तो अपने किसी जानने वाले या मिलने वाले से लेनी है। अगर आपका कोई जानने वाला या मिलने वाला ऐसा नहीं है जहां से आप सिम ले सकते हैं, तो आप लोग याद रखें, आप कंपनी के ब्रांड स्टोर से आपको सिम लेनी है। कंपनी के ब्रांड स्टोर पर आपको सिम महंगी जरूर होगी, लेकिन वहां पर आपको किसी भी तरह की डर की कोई भी जरूरत वहां पर नहीं होगी। वहां पर कंपनी के एम्प्लॉय होंगे, वो आपको सिम देंगे। ऐसा नहीं करना है कि कहीं से भी आपने लिया और सिम ले ली, कोई भी बंदा कहीं भी बैठा है किसी भी कंडीशन में, वहां आप गए उससे सिम ले ली, थोड़ा इस चीज का ध्यान रखना है, हमेशा जानने वाले से या कंपनी के ब्रांड स्टोर से ही सिम लेना है। अब बात करते हैं दोस्तों, आपको ध्यान क्या रखना है, आपने आपको सिम चाहिए चाहिए, आपको नीड है सिम की, और आपको सिम चाहिए आपको, लेकिन ध्यान क्या रखना है सिम लेते समय। तो आपको यह ध्यान रखना है कि कभी भी आप कंपनी की सिम जिसकी भी ले रहे हैं, जब आप जाएंगे वहां पर तो आपका एक बार थंब लगेगा और एक बार आपका लाइव फोटो क्लिक होगा। तो सबसे पहली बात तो यही ट्राई कीजिए कि आपका थंब एक बार ही लगा है और आपका लाइव फोटो एक बार ही क्लिक किया गया है। और उसमें क्या होता है, कई बार टेक्निकल एरर की वजह से कुछ चीजें बैक हो जाती हैं, या आपका सबमिट नहीं हो पाया, सबमिट होने से पहले ही डिलीट हो गया, या ओटीपी में लेट हो गया, उस वक्त आपको सबमिट नहीं हो पाया, तो उस कंडीशन में आपका क्या होगा कि आपका थंब या आपका लाइव फोटो दोबारा क्लिक हो सकता है, दोबारा भी क्लिक हो सकता है, 4 बार 5 बार भी क्लिक हो सकता है। तो अब आपको 4 या 5 बार अगर आपका फोटो क्लिक हो रहा है, तब आपको क्या करना है, तब आपको यह करना है कि आपका जिस कंपनी का एम्प्लॉय जो आपको सिम दे रहा है, उसके हाथ में एक सिम देख लेनी है कि कौन सी सिम है। जब वो आपको सिम देगा तो एक बार अपने फोन से वो सिम स्कैन करेगा। जब वो सिम स्कैन करेगा तो आपको यही देखना है कि जब भी वो आपका फोटो क्लिक कर रहा है या थंब लगा रहा है, तो वही सिम स्कैन कर रहा है हर बार, नई सिम स्कैन नहीं कर रहा। अगर नई सिम स्कैन कर रहा है तो आप दोस्तों समझ लीजिए कि आपके नाम से एक नई सिम ओपन हो रही है। आप लोग कोशिश करिए कि उस सिम को अपने सामने रखिए, जिस जगह भी खड़े हैं उसमें आपको हाथ में रखिए, काउंटर पर रखिए, ताकि आप भी देख सके कि बार बार वही सिम स्कैन हो रही है। अगर वही सिम स्कैन नहीं हो रही है तो आप समझ लीजिए कि कहीं ना कहीं कोई ना कोई दिक्कत है। सबसे लास्ट वाला टॉपिक आपको बताने वाला हूँ, लास्ट वाला टॉपिक है बहुत महत्वपूर्ण। जब आप सिम ले रहे हैं तब इतना याद रखना कि बल्क में सिम एम्प्लॉय के पास नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए उसके हाथ में उसके आसपास 10, 20 या 5 सिम पड़ी है, तब आपको पता ही नहीं लगेगा कौन सी सिम कब स्कैन हो गई। आप उसको बोलिएगा कि भाई एक सिम निकाल के ऊपर रख, बाकी सिम आप अपने सेट से रख, मुझे एक ही सिम चाहिए बस। आप यही ध्यान रखिएगा, ऐसा नहीं होना चाहिए कि उसके पास बहुत सारी सिम है और वो स्कैन कर रहा है कोई सी, आपको पता भी नहीं लगेगा, इतने देर में स्कैन हो जाएगी दूसरी। तब आप यही ध्यान रखिए कि हमेशा उसके हाथ में एक ही सिम होना चाहिए, कोशिश करें तो आप वो सिम अपने हाथ में रख लें। तो उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी, बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल।